नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सॉरी मैडम, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना होगा। इंस्पेक्टर, मेरे देवता मुझे छोड़कर चले गए मुझे छोड़कर। अब आप इस मिट्टी के जरिए को क्यों कष्ट देना चाहते हैं, क्यों इनका पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं? इंस्पेक्टर, आप तो रो रहे। क्यों नहीं रो? मैं इंस्पेक्टर हुआ तो क्या हुआ, मेरा भी तो दिल है, मैं भी इंसान हूँ। आपको रोता हुआ देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। देखिए, सिंह साहब जो थे वो एक बहुत बड़े रईस आदमी थे। आपको किसी पर शक तो नहीं? नहीं इंस्पेक्टर, मेरे देवता समान पति का कोई दुश्मन हो ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। अरे मिसेस सिंह, रिपोर्ट मिलने पर मैं एक बार और आपको तस्वीर दूंगा। लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाए। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्यों चले गए मुझे छोड़कर? मुझे भी साथ में ले चाहिए था। अकेला छोड़कर मैं चाहिए। बाबा के दर्शन भी ना हो सके। आंसू बहाकर हमारे जख्म ताजा मत करो नीतू। तुमने अगर बाप खोया है तो हमने अपना सुहाग। जाकर अपने कमरे में आराम करो। चंपा, नीतू को ले जाओ। वाला आदमी नजर आता है, तुम इसे भुटा के आओ, मैं बाजू वाले गली में इंतजार करता हूं। हट जाओ मेरे रास्ते से। बोल बोल, कहां पे हो आदमी? माफ करना भाई, मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आपको गोली लगने के बाद भी आप कैसे जिंदा हैं? आखिर वो क्या नाटक था? अपने को वो नाटक करने के 5,000 रुपया मिले थे। क्यों और किस लिए वो नाटक करवाया उसका अपने को कोई मतलब नहीं। आपके इस नाटक ने तो मेरी जान ही ले ली थी। हर वक्त एक ही परेशानी रहती थी, मेरी ननी मुन्नी बहन की, बेचारी अंधी है। अगर मैं पकड़ा जाता तो उस बेचारी का क्या होता? अच्छा शुक्रिया, मेरी ननी मुन्नी बहन बेचारी अंधी है। अगर मैं पकड़ा जाता तो उसका क्या होता? मेरी ननी मुन्नी बहन बेचारी अंधी है। अगर मैं पकड़ा जाता तो उसका क्या होता? ए भाई, तू तो बड़ा भाग्यवान है दोस्त। अंधी हुई तो क्या हुआ, बहन तो है, अपना तो साला इस दुनिया में कोई नहीं। मेरी एक बात मानेगा? हाँ हाँ बोलिए। आज से तेरी बहन का एक नहीं, दो भाई हैं। जीएस है बॉस, जो आदमी लोनावाला में मेरे हाथ से मारा गया था वो जिंदा है। वो सब कामने की चाल थी, अभी भी मैं उसे मिल के आ रहा हूँ। हम जानते थे वो हवस की मारी, न जाने अभी और क्या क्या करे। हाँ बॉस, कल रात मिस्टर सिंह की मौत बाथरूम के टब में डूब जाने से हो गई। हमें मालूम है, हम उसी पर वार करके प्लान बना रहे हैं। आज रात तुम आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट बॉस।
हेलो, मिस्टर अनिल है क्या? उन्होंने काम छोड़ दिया? ओ आई सी, थैंक यू। कुछ नहीं बेटा, कहा ना कुछ भी नहीं। तुम जानते हो अनिल कहाँ है? बताओ ना कहाँ है। भाई रुक जाओ मम्मी, इस कमीने तेजा के हाथ में चाकू है। तो आपने मुझे यह बंद किया है? What do you want? Don't shout! बेबी, अब क्या अगर चीखी तो हमेशा के लिए तेरी आवाज बंद कर दूंगी। मेरे साथ ये सुलूक क्यों? आखिर अब क्या चाहती है मुझसे? मैं तुमसे क्या चाहूंगी? मुझे हर चीज हासिल करना आता है। मतलब तुम अनिल से मोहब्बत करती हो ना? कभी उसने तुम्हारी इन रेशमी सुर्खियों से खेलते हुए कहा होगा, कितने खूबसूरत बाल है तुम्हारे, जैसे सावन की घटा उमड़ाई हो। नहीं, प्लीज, नहीं, शट अप। कभी इन खूबसूरत आंखों की कसम खाकर प्यार के वादे किए होंगे, फूल की पंखड़ी से भी ज्यादा नाजुक इन होठों की सुर्खी चुरा कर न जाने कितने ही रंगीन सपने देखे होंगे उसने। लेकिन मेरी जान, अब ये सब कुछ नहीं होगा। आज से अनिल तुम्हारा नहीं, मेरा है। पापा को मरे चंद दिन नहीं हुए और तुम्हारे सर पर हवस का भूत सवार हो गया। तुम जैसे गिरी हुई औरत से अनिल मोहब्बत करेगा, वो तुम पे थूकेगा भी नहीं। हम तुम्हारी जुबान काट लेंगे। मेरे और अनिल के बीच आने वाली हर दीवार गिरा दी जाएगी। तुम्हारे बूढ़े पापा, वो भी मेरे और अनिल के बीच दीवार बनना चाहते थे। उनका अंजाम तो तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। क्या तुमने खून किया पापा का? तुमने मार डाला पापा को? तुम इंसान हो या जानवर? कमीनी औरत, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। अभी तो अपनी जान की खैर मनाओ बेबी, घबराओ नहीं, तुम्हें भी जल्दी ही अपने पापा के पास भेज दिया जाएगा। मैम साहब, इंस्पेक्टर साहब मिलने आए हैं। तुम यहाँ कैसे आए? आपको यहाँ आते देखा इसलिए। तेजा, तेजा, तेजा! इसे बाहर ले जाओ। और इंस्पेक्टर से जाकर कहो कि हम उनका बेडरूम में इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद इसे आउट हाउस के तहखाने में ले जाकर बंद कर दो। चंपा दीदी, भगवान के लिए मेरी मदद करो। घबराओ नहीं, मैं भी खोल देती हूँ। हेलो मैडम। हेलो। मिसेस सिंह, मैं आज आपको आखिरी बार तकलीफ देने आया हूं। इंस्पेक्टर, आप चाहें तो हमें हमारे नाम से पुकार सकते हैं। कामिनी। कामिनी जी। कामिनी। हाँ वही, कामिनी जी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। क्या आपको आपके पति के मौत के बारे में किसी पर शक है? क्योंकि वो एक रईस आदमी थे, वो भी लालच में आकर के। नहीं इंस्पेक्टर,
उनकी मौत से कोई चीज चोरी भी तो नहीं हुई। अब खामखा दुखी हो रहे हैं। जो मर गए उन्हें भूलते नहीं और जो जिंदा है उनका ख्याल नहीं। मैं आपका मतलब नहीं समझा। इंस्पेक्टर मैं समझी थी आप मेरा दुख बांटने आए हैं, लेकिन नहीं, आप पुलिस वाले होते ही हैं पत्थर दिल। नहीं कामनी जी, नहीं ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर ऐसी बात नहीं तो आइए मेरा दुख बांटने में मेरा साथ दीजिए। आइए। नहीं। अरे थोड़ी पीजिए ना। देखिए मैं पीता जरूर हूँ लेकिन इस वक्त नहीं पी सकता क्योंकि मैं ड्यूटी पर हूँ। अच्छा अच्छा, आपने ड्रेस पहन रखा है इसलिए आप ड्यूटी पर हैं। तो उतार दीजिए ना ड्रेस। क्या कह रही हैं आप? मेरे पास लूंगी कुर्ता है, लाओ। अरे अरे, आप तो घबरा रहे हैं और शर्मा भी रहे हैं। थोड़ी सी पी लीजिए ना, आपको हर शिकायत से दूर हो जाएगी। देखिए मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं शायद आपने मुझे गलत समझा है। अच्छी औरत कभी आदमी को गलत समझ सकती है, और आप तो पुलिस ऑफिसर हैं, कभी गलत हो सकते हैं। हर गलत चीज को तो आप सही कर देते हैं। आइए ना थोड़ी पीजिए प्लीज। बिना पिए आप बहकी जा रहे हैं। आज देश में 60 करोड़ इंसान कंधे से कंधा मिलाकर कदम से कदम मिलाकर 5 वर्ष की योजना को सफल करने के लिए अपना खून तक देने को तैयार है और आप ऐसी हरकतें कर रही हैं। लगता है आपको मिनिस्टर बनने का बड़ा शौक है। भाषण शुरू कर दिया। जी मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ। आप शायद जानती नहीं है कि मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ। फिर भाषण? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? देख लीजिए मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती हूँ। जानते हो क्या इल्जाम लगेगा? एक पुलिस ऑफिसर ने एक खूबसूरत जवान विधवा के बेडरूम में जाकर उसकी इज्जत को लूटने की कोशिश की। तुम क्यों हो गए? क्योंकि आपने कपड़े फाड़ दिए। आपको कपड़े फाड़ने की क्या जरूरत थी? जाओ जाके लुंगी कुर्ता ले आओ। जाओ। श्योर? 100% श्योर। मैं नीचे जाकर अपने हवलदार से कह देता हूँ कि स्टेटमेंट लेने में ज्यादा टाइम लगेगा। जाओ। अरे वाह बेटा, सब इंस्पेक्टर महमूद, हवलदार से सब इंस्पेक्टर बनने में 5 साल लग गए थे और ये काली साड़ी वाली पहले ही केस में तेरे को सब इंस्पेक्टर से कांस्टेबल बना देगी। अपनी इज्जत बचाकर भाग यहाँ से। दारू से इज्जत अच्छी, भाग। वो सगाई भी उस औरत की चाल थी। कुछ भी करो अनिल, उस जालिम औरत को फांसी के फंदे तक पहुंचवा दो, तभी मेरे पापा के मन को शांति मिलेगी। अच्छा वो नीतू, तुमने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन कानून को सबूत चाहिए। हम सब कुछ नहीं बिगाड़ सकते नीतू, जब तक उसके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत ना। कुछ भी करो अनिल, भगवान के लिए कुछ भी करो। रोते नहीं पगले, मुझे सोचने दो। इजाजत हो तो माथे पर सुहाग की बिंदिया सजाऊं। हाँ क्यों नहीं। Thank you.
खराब है रे, तूने मुझे बहुत तड़पाया है रे। नहीं डालेंगे, अब मुझे किसी का डर नहीं है, इसीलिए तो तुम्हारे पास हूँ। पहले किसका डर था रे? मिस्टर सिंह का, वो हमारे बीच दीवार थे। पगले, वो तो कच्ची मिट्टी की दीवार थी रे, पहले बता देता तो पहले ही गिरा देती। तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है रे। एक मिनट डालें, मैं नशा उतर गया, अभी आया। कहाँ गया रे? तू गलत जगह नशा तलाश कर रहा है, मैं यहाँ हूँ। लो डालें, थोड़ी सी पी लो, कम वक्त जब ये तुम्हारे होंठ छू लेती है तो कुछ और ही मजा पैदा कर देती है। मेरी जान, नशे में मस्का मत लगा रे, वरना नशा फिसल जाएगा। आना मेरे प्यार के दीदा, अब तो मैं तड़पा रही। अगर अब तुम्हें तड़पाया तो मैं खुद तड़प जाऊंगा मेरी जान। अगर मेरे पति ही तेरे लिए दीवार थे तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया रे? मैं कब का उस दीवार को गिरा देती। तुम गिरा देते? लेकिन किस तरह? अब तुझसे क्या पता रे, तुझसे क्या छुपाना? मेरे पति को हम पर शक हो गया था, जानता है वो तेरी जान का दुश्मन बन गया था रे। जो तेरा दुश्मन वो मेरा दुश्मन। उस दिन मैंने उसे ढेर सी पिलाकर बात तब में लेटा कर दोनों पैर खींचकर हमेशा के लिए उसे ऊपर भेज दिया। थैंक यू वेरी मच। यार वह सब खत्म हुआ, अब जरा बिजनेस की बात हो जाए। बिजनेस तो बिस्तर पर भी हो सकता है, तू वहां क्यों चला गया रे? ये बिजनेस बिस्तर पर ही होगा मिस्टर सिंह, इधर आइए। बोल मेरी जान। मिस्टर सिंह होश में आइए, मुझे जान कहना बंद कीजिए और अपनी जान की खैर मनाइए। आपने मिस्टर सिंह का खून किया है और आपका बयान इस टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड है। क्या बकते हो? मैं बकता नहीं हूँ, सौदा करना चाहता हूँ। क्या चाहते हो तुम? तुम्हें फांसी के तख्ते से बचाने की कीमत, वो बेशकीमती डायमंड का हार जिसे पहनकर तुम मिस्टर भटनागर की पार्टी पर गई थी, जिसे कुछ लोगों ने लूटने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे, वही हार। अगर मैं देने से इनकार कर दूं तो? तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। दुश्मन वो मेरा दुश्मन, उस रोज मैंने उसे ढेर से पिलाकर बात तब में लेटाकर दोनों पांव खींच कर हमेशा के लिए ऊपर भेज दिया। अब हार मेरे हवाले कर दो मिस्टर सिंह, वरना ये टेप मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। नहीं नहीं अनिल, ठहरो। मुझसे स्मार्ट बनने की कोशिश करना तुम्हारी बेवकूफी है। यू फूल, जानते हो लोनावाला ने तुमने जो खून किया था उस रिवॉल्वर पर तुम्हारी उंगलियों के निशान अब भी मौजूद हैं।
और वो निशान तुम्हें भी फांसी के फंदे तक ले जाने के लिए काफी है। आप उन उंगलियों के निशानों की तस्वीरें निकलवा कर अपने इस खूबसूरत बेडरूम में सजा लीजिए। वो आदमी मरा नहीं, जिंदा है, और आपकी पिस्टल भी खाली है। मिसेस सिंह, ये सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर ही नहीं है बल्कि वायरलेस सेट है जिसके जरिए आपका कन्फेशन कहीं और भी रिकॉर्ड हो चुका है। आइए। हेलो हेलो बॉस, मैं अनिल बोल रहा हूँ। हेलो अनिल, वेल डन माय बॉय, वेल डन। मिसेस सिंह अपनी आवाज सुनना चाहेंगे। श्योर, व्हाई नॉट। ये हादसा पुलिस की नजरों में एक अनिल, तुम्हें वो हार चाहिए ना? जी। कल शाम को 7 बजे आउट हाउस में मिलना, तुम्हें हार मिल जाएगा। नो ट्रिक्स मिसेस सिंह, वरना ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारू में और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।